नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सरकारी राशन को बेचने वाला डीलर नहीं आया पुलिस की गिरफ्त में। हाथ से मैला उठाने वालों की स्थिति बस सहायता तथा दलितों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, डॉक्टर लालजी निर्मल। दरियापुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली में सोमवार से ओपीडी शुरू। यह है इज्जत खोने का डर, आप बीती सुनने के बाद भी सीओ बना रहे शिकायत वापस लेने का दबाव। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशभक्ति से सराबोर हुआ शहर। और अब खबरें विस्तार से। गरीबों के लिए आने वाले सरकारी राशन से राशन डीलर लोगों को उनका राशन ना देकर अपनी जेब को भर रहे हैं, तो वहीं जब इसकी सूचना पुलिस को हुई तो राशन डीलर मौके से फरार हो गया। जी हां, यह मामला है थाना नारखी के राजपुर गांव का, जहां आरोपी गया प्रसाद सरकारी राशन डीलर का काम करता है, लेकिन आरोपी सरकारी राशन को लोगों को देने के बजाय चुपके से बेच देता था। इसलिए मंगलवार को गांव के लोगों द्वारा उसे रंगे हाथ पकड़ लिया गया। उसके बाद तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती तब तक डीलर मौके से फरार हो चुका था। गौरतलब है कि पुलिस ने मौके से ट्रैक्टर को कब्जे में लिया और सरकारी राशन की बोरियां भी बरामद की है, तो वहीं राशन खरीदने वाले व्यापारी भी मौके से फरार है। हम आपको बता दें कि पुलिस को इसकी सूचना गांव राजपुर निवासी उग्रसेन पुत्र राधे श्याम ने 100 नंबर पर फोन कर दी थी, जिसके बाद मौके पर थाना पुलिस और डायल 100 पहुंची। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त आयोग निगम के अध्यक्ष राजमंत्री डॉक्टर लालजी निर्मल का आज अपराह्न फतेहपुर सर्किट हाउस आगमन हुआ, जहां पर उन्होंने निगम के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में निम्न बिंदुओं पर चर्चा भी हुई। जिले में दलितों के आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हेतु राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार व प्रसार, हाथ से मैला उठाने वालों की स्थिति व सहायता तथा दलितों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, डॉक्टर लालजी निर्मल। इस बैठक में जिला सहायक अधिकारी व अन्य कर्मचारियों को डॉक्टर लालजी निर्मल जी ने निर्देश देते हुए कहा है कि हर आखिरी दलित तक योजनाओं को पहुंचना चाहिए व दलितों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बैठक में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति केंद्र के जिला प्रभारी डॉक्टर हेमेंद्र वर्मा, हरिलाल व अन्य लोग मौजूद रहे। दरियापुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली में सोमवार से ओपीडी शुरू हो गई। एम्स अधीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार ने पत्र जारी कर बताया कि सुबह 8 बजे से 11 बजे तक मरीजों का रजिस्ट्रेशन होगा। उन्होंने बताया कि ओपीडी में सिर्फ नेत्र रोग, दंत रोग, आर्थो विभाग, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे संबंधित विभागों से सेवाएं प्रारंभ होंगी। एम्स में 7 चिकित्सकों सहित 35 लोगों का स्टाफ अभी तक कार्यभार करने की तैयारी कर चुका है। रायबरेली दरियापुर स्थित यह उत्तर प्रदेश का पहला एम्स है, जिसके संचालन से रायबरेली के अलावा अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, फतेहपुर व कानपुर समेत पूरे प्रदेश के लोगों को सहूलियत मिलेगी। मालूम हो कि दरियापुर में एम्स ओपीडी कराने के लिए डॉक्टर व अन्य स्टाफ की भर्ती का काम पीजीआई चंडीगढ़ में किया गया। इसके बाद 26 जुलाई से यहां स्टाफ आना शुरू हो गया है। एक और जहां योगी सरकार महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, वहीं शहर की ही पुलिस सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाकर महिलाओं की मदद के बजाय उनका शोषण कर उन्हें न्याय दिलाने की जगह आरोपियों से सांठगांठ कर महिला दुष्कर्म मामला थाने से ही रफा दफा कर रही है। ऐसे में शहर में महिला उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है, जिसमें पीड़िता ने आरोपी व पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पीड़िता मंजू कश्यप ने बताया कि ना तो एसएसपी द्वारा उसकी मदद की जा रही है और ना ही थाना कलेक्टरगंज एसओ द्वारा और सीओ द्वारा, कहा उल्टा उस पर सीओ कलेक्टरगंज द्वारा शिकायत वापस लेने का दबाव भी बनाया जा रहा है। पीड़िता ने बताया कि वह थाना कलेक्टरगंज के अंतर्गत नाच घर बिरहाना रोड में रहती है और उसके पति रिक्शा चलाकर घर का भरण पोषण करते हैं। पीड़िता ने कहा कि क्षेत्र के दलाल कृष्ण कुमार सिंह उर्फ पप्पू पुत्र परशुराम सिंह बिरहाना रोड निवासी आए दिन
उसे बुरी नियत रखते हुए अश्लील इशारे करता था। बताया था कि बीती 10 जुलाई को कृष्ण कुमार ने सुबह 5:30 बजे सामुदायिक शौचालय घर शौचक्रिया के लिए जाते समय उसे खींचकर अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा, लेकिन पीड़िता की चीख व शोर सुनकर क्षेत्रीय लोग आ गए, जिससे उसकी इज्जत बच गई। बताया इसकी शिकायत उसने 11 जुलाई को एसएसपी को लिखित रूप में की थी। 14 अगस्त को कृष्ण कुमार रात में जबरन उसके घर घुसाया और अश्लीलता करते हुए कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो। इसी बीच उसके पति आ गए, उनके साथ भी कृष्ण कुमार ने हाथापाई की। पीड़ित सीओ कलेक्टरगंज से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा सीओ कलेक्टरगंज उस पर ही समझौते का दबाव बना रहे हैं और कृष्ण कुमार से साठगांठ कर मामले की लीपापोती कर रही। अब कृष्ण कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई ना होने से उसके हौसले और भी बढ़ गए और वह पहले से ज्यादा पीड़िता को परेशान कर रहा है। भय के कारण उसने घर से निकलना बंद कर दिया है। पीड़िता ने कहा उसे भय है कि उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। न्याय के लिए दर दर भटक रही पीड़िता ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक को प्रार्थना पत्र भेजा और न्याय दिलाने के साथ सीओ कलेक्टरगंज व थाना अध्यक्ष को मामले की जांच कराकर निलंबित करने की मांग की है। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पूर्व स्वतंत्रता के इस महापर्व के उत्साह में पूरा शहर डूब गया। जगह जगह आयोजन शुरू हुए और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की भव्य तैयारियां की जाती रही। इसी क्रम में हलीम मुस्लिम इंग्लिश स्कूल में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सिपाहियों को याद करने के लिए जरा याद करो कुर्बानी शीर्ष पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। स्कूल की छात्राओं ने देशभक्ति के गीत गाए और बताया कि 100 साल पहले अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान करते हुए बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान ने मोर्चा खोला था। दूसरी तरफ बहादुर शाह जफर ने अपने 2 बेटों की कुर्बानी देने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और चट्टान की भांति अंग्रेजों के सामने खड़े रहे। बिठूर के नाना राव पेशवा, झांसी की लक्ष्मीबाई और अवध की बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, अजीम उल्लाह खान, मंगल पांडे, अजीजन बाई ने बहादुर शाह जफर को सहयोग देकर मजबूती प्रदान की। इन वीर सपूतों ने देश के लिए कुर्बानी दी और आजादी की ऐसी मशाल जलाई जिसका नतीजा 15 अगस्त 1947 को मिला और लाखों शहीदों की कुर्बानियों को देने के बाद हमें आजादी मिली। कहा आज हमें प्रण करना है कि अपने शहीदों की कुर्बानियों को हम हमेशा याद रखेंगे और देश को प्रगति व विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। विचार गोष्ठी की अध्यक्षता सबा खान कार्यवाहक प्रधानाचार्य ने की तथा मुख्य अतिथि के रूप में प्रबंधक कार्यवाहक मसूद हामी के साथ अर्शी सिद्दीकी, शिफा नईम, आतिया, मंतशा, आफिया, अबरार आदि छात्राएं उपस्थित रही। वहीं स्वरूप नगर स्थित INIFD की छात्राओं ने भी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें तिरंगा थीम पर पोस्टर मेकिंग, टैटू मेकिंग, नृत्य गायन के साथ विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर रीजनल डायरेक्टर विनय बहल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा स्वतंत्रता दिवस की महत्वता पर विशेष प्रकाश डाला। कार्यक्रम में 80 डिजाइनरों ने भाग लिया, जो केसरिया, सफेद व हरे रंगों के परिधानों से सुसज्जित होकर संस्थान में आए थे। पूरे संस्थान को छात्र छात्राओं ने नाना प्रकार के पोस्टरों, कृत्रिम पुष्पों, झालरों, गुब्बारों से सजाया। देशभक्ति के गीत गाए, जो सभी के द्वारा प्रशंसनीय रहे। इस दौरान 3 प्रतियोगिताओं में सभी छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया। कार्यक्रम में केपी मिश्र, नीतिका बहल, मोहम्मद अकरम सिद्दीकी, विजय अरोड़ा, अनुरी अंकिता, नीतिका शर्मा, विनीता सरगम आदि उपस्थित रहे। फिलहाल खबरों में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।